तो देखिए बच्चों, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम क्या होता है कि किसी भी एक पार्टिकल को जब दो या दो से ज्यादा एसएचएम आके मिलते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझे कि कैसे मिलेंगे, तो एक स्प्रिंग लगी हुई, स्प्रिंग से एक बॉक्स लगा हुआ और बॉक्स के अंदर एक ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक भी अपने आप में एसएचएम कर रहा है और ये बॉक्स भी एसएचएम कर रहा है। तो जब आप इस पार्टिकल को देखोगे, एम मास के ब्लॉक को देखोगे ग्राउंड फ्रेम से, तो ये दोनों एसएचएम का कॉम्बिनेशन करेगा। तो जब दो एसएचएम या दो से ज्यादा एसएचएम किसी एक पार्टिकल पे आते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहलाता है सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम, क्योंकि वो तो रिजल्टेंट से मूव करेगा ना, जो उसका रिजल्टेंट होगा उससे मूव करेगा। अब देखो कैसे, तो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि बेटा आपके पास इस तरीके से एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से मान लीजिए कि एक बॉक्स जुड़ा हुआ है ऐसे, और इस बॉक्स से भी आपने एक क्या जोड़ दिया है बेटा, दूसरी स्प्रिंग, और उसमें एक ब्लॉक रख दिया है एम मास का। अब ये ब्लॉक जो है उसका जो एम्पलीट्यूड है खुद का मीन पोजीशन के अबाउट, वो मान लो A1 है, और जो बॉक्स का एम्पलीट्यूड है जिसके अबाउट वो एसएचएम करेगा वो मान लो A2 है। अब खुद सोचो कि अगर मान लो कि दोनों का फेस सेम है, दोनों का फेस सेम का मतलब कि दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक्सट्रीम में भी एक साथ पहुंचते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि X1 जो ब्लॉक का एम्पलीट्यूड है वो A1 sin ωt है, और X2 जो बॉक्स का एम्पलीट्यूड है वो A2 है, और वो sin ωt, वो भी sin ωt, दोनों का फेस सेम है, दोनों मीन पोजीशन से एक साथ चलते हैं और एक्सट्रीम पोजीशन पे भी एक साथ पहुंचते हैं, तो सोचो भाई ये जो बॉक्स है ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा A2 दूरी पर, A2 दूरी पर, और उस समय पर जो ब्लॉक है बेटा, ब्लॉक ये जो ब्लॉक है ये भी कहाँ पहुंचेगा, अपने एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम पर मतलब ये A1, A1 तो ये भी एक्सट्रीम पे है अपने ब्लॉक, और ये भी है। तो जब आप ग्राउंड से देखोगे तो इस मीन पोजीशन के अबाउट एम मास का ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, A1 + A2, A1 + A2। वैसे ही जब ये बॉक्स नेगेटिव पे पहुंचेगा -A2 पर, तब ये जो ब्लॉक है ये भी अपने नेगेटिव पे होगा -A1, तो फिर से इन दोनों का सम होगा, तो जब नेगेटिव में होगा तो दोनों साथ साथ होगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ग्राउंड फ्रेम से ब्लॉक का कितना दिखेगा बच्चों, -A1 - A2, -A1 - A2, है ना, इस तरीके से साथ साथ चलेंगे। लेकिन जब ये दोनों सेम फेज में, तब आपको समझ में आ रहा है, तब थोड़ा सा आप एनालाइज कर सकते हो, दिमाग लगा के निकाल सकते हो, या फिर ऐसा हो कि भाई ये जो ब्लॉक है उसका एसएचएम की इक्वेशन ऐसी हो A sin ωt, मतलब वो ओरिजिन से अपना एसएचएम करता है और वो राइट की तरफ जाता है, मतलब इस तरीके से एसएचएम कर रहा है, जबकि अगर आपका जो फेज है वो अलग हो जाए किसका, X2 का, बॉक्स का, तो बॉक्स का मान लो इस टाइप से बेटा A sin ωt + ϕ, +ϕ, इसका मतलब जिसका इनिशियल फेज फाई होता है उसका मतलब क्या है कि वो ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ पहले जाता है, फिर ऐसे घूमकर फिर ऐसे आता है, याद है मैंने आपको फेज बताया था। तो जब पाई फेज होता है तो वो मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाता है, पॉजिटिव पे नहीं, और जब वो जीरो होता है तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाता है। तो अगर ऐसी बात है तो अब आप खुद सोचो, इस पे भी आप सोच सकते हो कि क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप ये सोचो जब बॉक्स जो है वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, ब्लॉक जो है वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा, तब जो बॉक्स है वो तो बेटा कहाँ होगा, अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा, नेगेटिव एक्सट्रीम। यानी सोचो कि T/4 समय पर अगर ये हम इनिशियल पोजीशन ले रहे हैं तो इससे बॉक्स जो है वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, यानी कि ये पहुंच गया है बॉक्स आपका -A2 पर, -A2, और जबकि ये जो ब्लॉक है ये अपने यहां से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है ना, तो अगर यहाँ पे ये ब्लॉक बेटा कनेक्टेड है तो ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, यानी A1, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा, A1 - A2, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा A1 - A2। वैसे जब ये बॉक्स अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आएगा तो ब्लॉक अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा, ये अगर A2 है तो ब्लॉक अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे, नेगेटिव एक्सट्रीम पर, ये A1, तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा A2 - A1। देखो
तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस होंगे, प्लस होंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये फेस पाई होगा या जीरो होगा, ऐसा तो है नहीं, कुछ भी हो सकता। अगर मान लो ये 60 डिग्री होता, एक्स टू इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, कोई भी फेज होता फाई नॉट, तो ये पर्टिकुलर केसेस के लिए तो आप इमेजिन कर सकते हो, लेकिन ऐसे केसेस के लिए इमेजिन थोड़ी ना कर पाओगे। फिर इसके लिए हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए होगी जिससे हम एसएचएम निकाल पाए, हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए होगी ना जिससे हम नेट एसएचएम की इक्वेशन लिख पाए, रिजल्टेंट लिख पाए। तो वो रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता है नेट एसएचएम का, जब किसी भी फेस के बीच में दो को जोड़ा जाता है, दो एसएचएम को जोड़ा जाता है, तो उसका जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसका एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चों लिखने का, है ना। तो ये जो मेन मेथड वो तो लेंदी होती है, तो लेंदी मेथड पे हम नहीं जाएंगे, उसका एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम बहुत आसानी से एसएचएम की रिजल्टेंट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम दो एसएचएम को कैसे जोड़ते हैं, दो एसएचएम का नेट रिजल्टेंट क्या होता है किसी भी फेस पर, किसी भी एंगल पर, वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूँ कैसे लिखते हैं रिजल्टेंट, है ना बच्चों। तो पहले इसको देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, तो मेन चीज जो है कि आप दो एसएचएम को जब जोड़ेंगे, जैसे नेट डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों डिस्प्लेसमेंट का सम है, एक्स वन एक्स टू। और मान लो एक्स वन की इक्वेशन क्या है बेटा, ए वन एम्पलीट्यूड ए वन है इंटू साइन ओमेगा टी, और एक्स टू एसएचएम की इक्वेशन क्या है, ए टू एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो कोई भी फेज हो तो दो एसएचएम को कैसे जोड़ा जाएगा, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा, उसको याद रखेंगे। एक लेंदी मेथड होती है वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि आप इन दोनों के फेस का डिफरेंस लो, इसका फेस अगर ये फाइव टू मान रहे हो जो ब्रैकेट के अंदर है, और इसका फेस अगर फाइव वन मान रहे हो, तो उनका डिफरेंस लिया करो। तो जो इसका फेस डिफरेंस है डेल्टा फाइव, वो आप लिख सकते हो फाइव टू माइनस फाइव वन। तो सेकेंड वाले एसएचएम का फेस डिफरेंस कितना है, इसको डेल्टा फाइव को बोलते हैं बेटा फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस। तो दोनों एसएचएम का सबसे पहले तो फेज डिफरेंस निकाल दिया करो, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हम निकालेंगे तो फाइव टू माइनस फाइव वन, तो ओमेगा टू प्लस फाइव माइनस फाइव वन जो है वो ओमेगा टी, तो ओमेगा टी कैंसिल। तो डेल्टा फाइव जो फेज डिफरेंस है वो फाइव के बराबर ही है, डेल्टा फाइव जो फेज डिफरेंस है वो फाइव के बराबर ही है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों का फेज डिफरेंस हमें पता चल गया। अब जब भी आप फेज डिफरेंस पता चल जाता है, तो हमेशा याद रखेंगे जो रिजल्टेंट एसएचएम होता है बेटा, कभी भी दो एसएचएम या दो से ज्यादा एसएचएम को जोड़ा जाता है तो रिजल्टेंट भी एसएचएम मिलता है, रिजल्टेंट भी एसएचएम होता है, याद रखेंगे। व्हेनेवर टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू एसएचएम्स आर कंबाइन देन रिजल्टेंट इज ऑल्सो एन एस एच एम, रिजल्टेंट इज ऑल्सो एस एच एम, रिजल्टेंट इज ऑल्सो आ एस एच एम, ये थंब रूल है याद रखें। तो वो भी एस एच एम मिलेगा, अगर मैं यहाँ तीन एस एच एम को जोड़ता तो भी एस एच एम मिलता, चार एस एच एम को जोड़ता तो भी एस एच एम मिलता। तो जो रिजल्टेंट एस एच एम है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट एस एच एम का एक कोई नेट एम्पलीट्यूड होगा, और साइन ओमेगा टी प्लस एक इनिशियल फेज होगा, उसको हम अल्फा बोलते हैं। यानी कि अगर मुझे दो एसएचएम जोड़ने हैं, तो रिजल्टेंट एसएचएम की ये इक्वेशन है, तो इसका मतलब मुझे इसमें एक तो ए नेट चाहिए कितना है, और दूसरा अल्फा चाहिए, तो मेरा काम बन जाएगा। अब ये दोनों निकालने का तरीका क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, तो हमेशा वेक्टर की तरह सोचो, वेक्टर की तरह। आप ए वन और ए टू वेक्टर नहीं है, वो एम्पलीट्यूड है, लेकिन उनको वेक्टर की तरह ट्रीट करने से हमारे ये आंसर आ जाएंगे, तो वेक्टर की तरह ट्रीट करो। तो आप एम्पलीट्यूड ए वन को वेक्टर मान लो, तो ये ए वन मान लिया बेटा, अब एक दूसरा जो वेक्टर है, दूसरा एम्पलीट्यूड है, उसको भी एक वेक्टर मान लो, तो उसको मैंने ए टू मान लिया। इन दोनों के बीच का जो एंगल दिया जाएगा वो एंगल फेज डिफरेंस है, तो वो यहाँ पे कितना है बेटा फाइव फाइव। तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच का एंगल बना दो फाइव। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वेक्टर को सोचकर, तो ये रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड है बेटा, ए नेट, और ए वन के साथ जो एंगल बनाएगा, ए वन के साथ जो एंगल बनाएगा वो रिजल्टेंट एसएचएम का फेज है, फेज दैट इज अल्फा, अल्फा। तो आप वेक्टर की तरह सोचो, तो अल्फा और ए नेट आ जाएगा। याद करो, वेक्टर में जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा होता था, तो रिजल्टेंट कितना लिखते थे बेटा, रूट ओवर
A1 स्क्वायर प्लस, पैरेललोग्राम याद करो, A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 इंटू कॉस, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 5। तो देखो ए नेट आ गया, ए नेट आ गया, ए नेट आ गया। वैसे रिजल्टेंट एसएचएम का अल्फा चाहिए तो टेन अल्फा निकालो बच्चों। टेन अल्फा क्या था, A2 sin 5 अपॉन A1 प्लस A2 cos 5। तो देखो आपके पास टेन अल्फा से अल्फा भी आ गया, तो इसका मतलब आपके पास रिजल्टेंट एसएचएम आ गया। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी दो एसएचएम का रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों एसएचएम के एम्पलीट्यूड को ट्रीट करो वेक्टर की तरह। वेक्टर नहीं होते, लेकिन वेक्टर की तरह ट्रीट करने से शॉर्ट ट्रिक से हमारे पास आंसर आ जाता है। तो वेक्टर की तरह ट्रीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है। जब आप इसको बिल्कुल वो ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व करते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, तो यही आंसर आता है। तो उतने बड़े लेंदी मेथड पर नहीं जा रहे हैं आप। तो इतना याद रखें कि किसी भी कितने भी एसएचएम्स का जो सम होता है वो एसएचएम ही आता है। एसएचएम में नेट जो होता है, एम्पलीट्यूड होता है, और एक उसका फेज होता है, इनिशियल फेज। वो कैसे निकाला जाएगा, अगर दो एसएचएम है तो उनको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करो। वो वेक्टर्स नहीं है लेकिन वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर लो तो वो शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज हो जाएंगे और हमारे पास नेट रिजल्टेंट आ जाएगा और नेट एंगल आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, मतलब उसका इनिशियल फेज आ जाएगा। और नेट जो रिजल्टेंट की इक्वेशन है वो एसएचएम की इक्वेशन इस तरीके से लिख देंगे, x = A net sin ωt + α। तो यहीं पे बच्चों ये लिखा हुआ है, x1 + x2 करेंगे तो ये निकलेगा। तो ए नेट ऐसे निकाल सकते हैं, अल्फा ऐसे निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, A net sin ωt + α। तो मेरे ख्याल से आपको शॉर्ट ट्रिक क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको जल्दी से समझ लेते हैं तो आपको पूरी बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम समझ लेते हैं जल्दी से कुछ एग्जांपल के थ्रू। तो जैसे पहला एग्जांपल दिया है तो आपको x1 SHM दिया है 7 sin ωt और एक x2 SHM दिया है डेट इज 8 sin ωt + π/6, है ना बेटा। π/6 मतलब 30 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, यस π/6 है ना। अब आपको बोला गया कि रिजल्टेंट एसएचएम निकालो जो दोनों का सम हो, x1 + x2। तो मैंने आपको बताया ना, रिजल्टेंट एसएचएम ऐसे आता है, A net into sin ωt + α। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ए नेट निकालने का तरीका क्या है कि भाई A1 मान लो 7 को, तो 7 का वेक्टर मान लो एक, A2 मान लो 8 को, तो एक 8 का वेक्टर मान लो। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो, दोनों के बीच का जो एंगल है वो दोनों का फेज डिफरेंस होगा, तो ωt + π/6 में ωt कैंसिल कर दोगे तो दोनों के बीच का एंगल π/6 बचेगा। तो ये आपका ए नेट होगा जो रिजल्टेंट है। ए नेट रिजल्टेंट लिखने का तरीका क्या है बच्चों, √7 का स्क्वायर डेट इज 49 प्लस 8 का स्क्वायर डेट इज 64 प्लस 2 × 7 A1 × A2 डेट इज 8 × cos π/6। cos 60 इज √3/2। अब आप बच्चों इसको सॉल्व कर लेना तो ए नेट आ गया। ए नेट के बाद आप ये अल्फा भी निकाल सकते हो, एंगल। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो भी आप कैसे निकाल लेंगे बच्चों, α = tan−1 A2। तो A2 जो है वो 8 है, तो A2 × sin π/6 अपॉन A1 7 है प्लस A2 cos π/6। अब बच्चों इसको फिर से सॉल्व कर लो तो आपके पास अल्फा भी आ जाएगा। तो रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन लिखी जाएगी A net into sin ωt + α, और ए नेट और अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लोगे। देखो कितना सिंपल, डायरेक्ट रिजल्टेंट एसएचएम। मैं तो आपसे बोलता हूँ कि भाई तीन एसएचएम है तो उनको वेक्टर की तरह सॉल्व कर लो। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपका देखो x1 जो है ωt है तो उसको हमने 8 मान लिया, एम्पलीट्यूड A1। फिर ये है तो ये π/2 मतलब 90 डिग्री है बेटा, तो 90 डिग्री आगे, तो ये 90 डिग्री है इसके बीच का एंगल। तो ये आपका हो गया 10 वाला एम्पलीट्यूड, और 5 ये π/6 मतलब 30 डिग्री पे है ना। तो π/6 मतलब 30 डिग्री पे 5 का एम्पलीट्यूड है, तो ये आ गया आपका 30 डिग्री पे 5 का एम्पलीट्यूड। अब आपको रिजल्टेंट निकालना, निकाल लो भाई, ए नेट निकालना। तो आप एक काम करो, 10 और 8 का रिजल्टेंट ले लो और फिर उसके साथ 5 का रिजल्टेंट ऐड कर दो, है ना। वैसे निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ज्यादा हो तो कंपोनेंट ले लो, कंपोनेंट करके सॉल्व कर लो। 5 का ये कंपोनेंट होगा 5 cos 30, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 5 cos 30 इज 5√3/2, और ये होगा 5 sin 30, तो 5/2। तो नेट एक वेक्टर ऐसे बचा
जिसका सम है 10 प्लस 5 बाई 2, तो 20 प्लस 5 25 बाई 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 8 प्लस 5 रूट 3 बाई 2। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो तो ए नेट आ जाएगा बेटा, और ये अल्फा निकालना है तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स कर दो तो आपको अल्फा मिल जाएगा। तो ऐसे कितने भी आपको एसएचएम दिए जाए, वेक्टर की तरह उनको ट्रीट करें, इस तरीके से फेजर डायग्राम बनाए और सॉल्व कर दे, आंसर आपके सामने होगा, है ना। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दिस इज सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। तो आई होप आपको सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम भी बच्चों क्लियर होगा।